नागरिकता संशोधन विधेयक एक लंबी चर्चा के बाद संसद के दोनों सदनों से पूर्ण बहुमत के साथ पारित हुआ है। पूरे देश की जनता इसका स्वागत कर रही है और यहाँ तक कि मुस्लिम समाज भी गर्मजोशी के साथ इसका स्वागत किया है। हफ्ते 10 दिन बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तथा अन्य विरोधी पार्टियों के द्वारा प्रायोजित साजिश के तहत मुस्लिम समाज को आगे कर अपनी राजनीतिक पार्टी के अराजक तत्वों के माध्यम से हिंसा, आगजनी, ईंटबाजी और पत्थरबाजी के माध्यम से प्रदेश में वोट की राजनीति के चक्कर में जिस तरीके से घृणाकृत किया है, देश की जनता उसको देख भी रही है। इस निंदीय कृत्य की भर्त्सना भी हो रही है। मुस्लिम समाज को उन्होंने मात्र माध्यम बनाया है, लेकिन सही माने में ये निशाना विरोधी पार्टियों की साजिश का परिणाम है। लेकिन इसके बावजूद विरोधी पार्टियों की दाल गलने वाली नहीं है कि मुस्लिम समाज के जितने भी हमारे बड़े धर्मगुरु हैं, चाहे शिया धर्मगुरु हों चाहे सुन्नी धर्मगुरु हों, उन सभी लोगों ने इसे अपील किया है। मुस्लिम समाज को इससे कोई खतरा नहीं है। यह केवल शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए कानून नहीं है। इसलिए मुस्लिम समाज के लोग इससे बेपरवाह हैं और बिल्कुल निश्चिंत रहें। उनका पूर्व में जिस तरह का सम्मान था, आगे भी सम्मान रहेगा और किसी की भी नागरिकता जाने वाली नहीं है। विरोधी पार्टियों के पास आज जनहित से जुड़े कोई मुद्दे है ही नहीं। यही कारण है कि वह मुस्लिम समाज को बरगला करके हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की फिराक में हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक पर भी मुस्लिम समाज को उकसाकर जिस तरीके से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तथा अन्य विरोधी पार्टियों के लोगों ने अपने किराए के, भाड़े के, गुंडे, माफिया, अपराधी, अराजक तत्वों के माध्यम से आगजनी कराई है, ईंटबाजी, पत्थरबाजी कराई है, तोड़फोड़ कराई है, सार्वजनिक संपत्ति को विनाश किया है, सरकारी संपत्ति को नाश किया है, तो स्वाभाविक रूप से यह कांग्रेस सहित सारी विरोधी पार्टियों का घिनौना वो चेहरा है जिससे स्पष्ट होता है कि वोट की राजनीति में ये देश को भी जला सकते हैं और देशवासियों को भी खाक कर सकते हैं। इसलिए इनसे विरोधी पार्टियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कितना कारगर है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चूंकि जहाँ जहाँ भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली है वो अभी तक हर जगह सफल साबित हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में भी वो सही साबित होगा और त्वरित कार्रवाई, समस्याओं का निस्तारण और समय से अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई हम समझते हैं पूर्व की अपेक्षा बेहतर तरीके से पुलिस कमिश्नर प्रणाली के माध्यम से हो सकेगी। इसलिए बहुत सोच विचार करके यह व्यवस्था की शुरुआत अभी कुछ जिलों से की गई है और स्वाभाविक रूप से हम समझते हैं ये लोगों की सोच की कसौटी पर खरा उतरेगा और साथ ही साथ आगे उत्तर प्रदेश में भविष्य में इसको और विस्तार करने का मौका है।